हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आज का दिन देखोगे तो लगभग सही ही गया, क्योंकि मॉर्निंग में हमने अच्छा खासा ट्रेड किया, पुट खरीदा, और उसके बाद में डेफिनेटली हमने पुट लेने को ट्राई किया क्योंकि मार्केट डायरेक्शन वॉज डाउन। बट ये वहाँ से जो इतना ज़्यादा प्रेशर से ऊपर गया कि मीन्स 4 या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट ओवरऑल इट वॉज़ अ फैंटास्टिक डे। और मैंने आज का ये टाइटल क्यों रखा है कि निफ्टी भवंडर में फंस गई है, क्योंकि अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा रहेगा तो मैंने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहां पे निफ्टी को करंट लगेगा और निफ्टी सच में वहां पे जाके टच करना चाहिए और वहां से जो फट करके गिरेगी आपको मज़ा आ जाएगा और बहुत जल्दी पैसा बनेगा। बट एट द सेम टाइम अगर उस निफ्टी उसके पहले ही नीचे आ गई तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, और आज अगर आप देखोगे एग्जैक्टली ऐसे हुआ। और वही कंसेप्ट्स के साथ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है, हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए, और आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बट यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स एंड एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान दे के समझ के पूरे रिस्क को मैनेजमेंट करके ट्रेड करें। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि YouTube के एनालिटिक्स में झट से पता चलता है कि 40-50% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना। और आपको अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उससे आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए जल्दी चलते हैं क्या होगा कल और ये निफ्टी भवंडर से कब निकलेगी। अब भवंडर का मतलब ही है कि ना ही ऊपर ना ही नीचे, बीच बीच में अटक गई है, तो हमें डायरेक्शन चाहिए और हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कब निफ्टी भवंडर से निकलने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे S&P 500, और मैंने ये भी कहा था कि ये बुरी दोजी है, ओके, और आप देखोगे ये दोजी के नीचे चली गई। अब सपोर्ट कहाँ पे है, आप चाहिए तो पिछला एनालिसिस देख लो, लगभग 4000 के आसपास यहाँ पे कहीं तो भी 40-40 का सपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है, तो S&P भी नेगेटिव है और एक अच्छा खासा नेगेटिव लेवल है S&P का। आप देखोगे दोजी को तोड़ के नीचे निकल गया है और सपोर्ट समवेयर अबाउट 40-40 है। तो ग्लोबल मार्केट कुछ भी बुलिश नहीं है और निफ्टी डेफिनेटली इसको रिएक्ट करेगी। अब हम निफ्टी का SGX निफ्टी का चार्ट देखेंगे। आप देखोगे SGX निफ्टी 0.88% डाउन है, ओके, सॉरी ये SPX है, या SGX निफ्टी कहाँ है, ये SPX है, हमारी SGX निफ्टी कहाँ पे चली गई, लेट अस लुक इन टू अवर SGX निफ्टी, ओके। तो एक मिनट ये फटाफट बंद कर देता हूँ और देखते हैं SGX निफ्टी investing.com पे। वाओ, 0.6% डाउन, और एक्चुअली दिस इज द फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हमने बिल्कुल भी गलत एनालिसिस नहीं किया था। वो पुट एक्चुअली ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देख के अच्छा खासा, मैं कहूँगा 40 या 50 पॉइंट का प्रॉफिट देने वाला था, बट थोड़ा सा उधर बाइंग प्रेशर आ गया, इसके लिए गड़बड़ हो गया। नहीं तो आज हमारा शाम का यानी कि दोपहर का जो ट्रेड था, दैट वुड हैड गिवन अ फंटास्टिक रिजल्ट। लुक एट दिस, आज दोपहर को ही ये दिखना चाहिए था, बट अफसोस ऐसे नहीं हुआ। बट नेवर द लेस, कल इंट्राडे में हम निफ्टी को नहीं छोड़ेंगे, हम एग्जैक्ट पॉइंट पे शॉर्ट करने को देखेंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है उसे ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अब देखते हैं निफ्टी का हाल क्या है, निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये एक मैं कहूँगा कि समवेयर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसे फॉर्म हो गया है, और द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि यहाँ पे देखोगे ना रेड कैंडल्स पावरफुल है, ओके। अब थोड़ा सा इसको हम 15 मिनट्स में स्टडी करेंगे ताकि हम देखेंगे कुछ एंट्री पॉइंट बनता है कि नहीं बनता है।
एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग दूंगा, क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मार्केट नीचे के तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का एक कंसेप्ट है, ओके। तो आप अगर यहाँ पे भी देखोगे ना, ये जो पार्ट आपको जो दिख रहा है, आपको बहुत जगह पे ये पार्ट दिखेगा, ओके। और आप देखते देखते हैरान हो जाओगे। सी द सेम पार्ट, यू कैन सी इट हियर, ऐसे 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 ये फास्ट गिरता है, ये ऐसे ऐसे गिरता है, थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे मुंह आ जाता है। तो अब क्या हो गया है, ये पुछला है, और आप किधर भी देख लो आपको यही पैटर्न दिखेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे हो गया है, जोर से गिरा, ऊपर जाने का ट्राई किया, और अब धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, ओके। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी, जोर से गिरा, नीचे नीचे मीन्स ऊपर ऊपर जाके, पावरफुली ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा स्लोप देखोगे नीचे की तरफ है और नीचे गिर गया। अब इसका मतलब क्या है, हम ऑप्शंस में ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं, आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेंड लाइन की सेटिंग चेंज करने को देखेंगे। दिस शुड बी ब्लैक, ओके। अब आप ट्रेड कहाँ पे लोगे, तो आप इसके नीचे लोगे, 17720 के नीचे, जो आज का निफ्टी ने धोखा दे दिया। ये एक्चुअली यहाँ पे दिया था, ओके। अब आप अगर रिस्क टेकर हो तो यहीं इसके नीचे, यानी कि 17730 के कहाँ भी नीचे अगर निफ्टी को देखेंगे तो हम शॉर्ट करेंगे। कहाँ तक शॉर्ट कर सकते हो, 17620 तक। अगर आपको 17700 के नीचे भी दिख रहा है तो भी आप शॉर्ट करोगे 80 पॉइंट्स के लिए। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये आपका पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट होगा। बट इट इज़ अ वेरी हाई टाइम कि निफ्टी अब 17620 तक जा सकती है, ओके। अगर इसके बीच में दिख रही है तो डेफिनेटली ये पहला टारगेट करके कंसिडर करना। और अगर 17695 के नीचे दिखती है तो स्ट्रेट अवे 17620 कंसिडर करना। अब ऊपर के डायरेक्शन में निफ्टी का क्या होगा, अब आप यहाँ पे एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन देखोगे ना, एक्चुअली होना कैसे चाहिए, निफ्टी ऐसे ऐसे नए नए ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ स्लोप जाना चाहिए। बट इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि निफ्टी इतनी वीक है, थोड़ी सी ऊपर जाती है, वापस ये ट्रेंड लाइन को चिपक जाती है, और कल ये ट्रेंड लाइन टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और कहाँ तक पहला सपोर्ट लेगा, ये वाला, ओके। तो आप देखोगे, अगर समझो कल गैप अप भी हुआ, आई डोंट नो एक्स वाई जेड रीज़न के वजह से, बट क्या निफ्टी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेती है, ये देखना इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया तो बस 17800 आपका पहला टारगेट हुआ, और इसको भी ब्रेकआउट किया तो 17950 दूसरा टारगेट हुआ। सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, तो ये ट्रेंड लाइन हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको ऊपर के ट्रेड्स लेने हैं। तो क्या निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करती है, अगर सस्टेन कर गई तो आपका व्यू ऊपर का होना चाहिए। बैंक निफ्टी देखते हैं, एंड एट द सेम टाइम एक इम्पॉर्टेंट ये देना चाहता हूँ, हम कोई भी क्रिप्टो या बिटकॉइन नहीं करते हैं, ओके। सो प्लीज़, और हम आपके पैसे लेके ट्रेड करके आपको डबल करके भी नहीं देते हैं। तो प्लीज़, बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल पे फेक व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमें पैसा दे दो, बिटकॉइन दे दो, और हम आपको एक हफ्ते में पैसा डबल करके देंगे। सो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल है जो ये है, और जो व्हाट्सएप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो डेफिनेटली उससे आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे जो कस्टमर सपोर्ट है वो हिंदी में बात करते हैं, और आप देखोगे तो फ़ोन नंबर भी दिया है। तो कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उससे हम व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हो।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रही है, यहाँ पे भी सेम देखो, गिरते वक्त तो नीचे गिरी, ऊपर जाते वक्त बहुत रोते रोते जा रही है, और यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना दिया है। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, पहला क्या टारगेट रहेगा स्ट्रेट अवे आप देखोगे 4957 का, और दूसरा टारगेट क्या होगा स्ट्रेट अवे 4740 का। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल है जिसका ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे की तरफ होता है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा 41529, और जैसे ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा आप नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन आता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेना, लॉट साइज कम रखना, बट बड़ा मूव कैच करने को ट्राई करना। तो होप आपको ये सभी एनालिसिस पसंद आया रहेगा, और थोड़ा सा संभल के रहना, देयर इज अ वायरल फीवर और कोल्ड कफ के ये चल रही है, तो आई एम ऑल्सो अ बिट फीलिंग मीन्स थोड़ा सा कफ और कोल्ड लग रहा है मुझे, और आई थिंक मीन्स आज के लिए इतना ही। डू जॉइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और कल रहेंगे हम एक्टिव शॉर्ट के ट्रेड के लिए, और होपफुली कल भवंडर से निफ्टी निकल के नीचे के ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।